चोरी भदोही से, जहां पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद में चोरी लूट हत्या व शराब तस्करी के अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी व क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया। आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक भदोही व क्षेत्र अधिकारी भदोही श्री प्रियांक जैन के कुशल निर्देश में क्राइम ब्रांच व कोतवाली भदोही की संयुक्त टीम को सादर कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में थाना भदोही में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त गण को चोरी करने के उद्देश्य में भिखारीपुर मैदान में इकट्ठा हुए थे कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच व थाना भदोही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूजन विश्वकर्मा पुत्र अज्ञात निवासी औराई मौके से ही भागने में सफल रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अभी गैंगस्टर के पांचों की तलाश में और जो हमारे यहाँ पर चोरी के वाहन या चोरी जो हो रही है इनके अभियुक्तों की तलाश में हमारी SOG की टीम और थाना प्रभारी भदोही भेजे लगे हुए थे। इसी बीच हम लोग को सूचना मिलती है कि यहाँ इंदिरा मिल के पास भिखारीपुर मैदान है, जो वहाँ पर कुछ लोग संगठित होकर एक चोरी के लिए निकल रहे हैं गिरोह बनाकर। तो उसी की तलाश में जब हमारी टीम पहुँचती है तो देखते हैं कि वहाँ पर तीन लोग, जिनमें कि एक हमारा जनपद का टॉप 10 का अभियुक्त रामचंद्र मौर्या, इसके अलावा एक रेहान, इन दोनों पर करीब 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा हमारा एक गैंगस्टर भी था इसमें, सकीर उल बच्ची, इन तीनों लोगों की वहाँ पर मौके पर हम लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और एक विशेष अभियुक्त जो कि इनका ही साथी था गैंग का, जिसका नाम था शिव पूजन, वो भागने में सफल रहा। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो उसमें मालूम पड़ा कि ये लोग अधिकतर इलाहाबाद और बनारस क्षेत्र से शराब की दुकानों में चोरी करते हैं और वो चोरी का माल जो होता है वो हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले एक सोनू है जो दुर्गागंज में रहते हैं और एक ब्रजेश कुमार जो ऊंच थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, इनको बेचते हैं। इन दोनों के पास ही इनकी शराब की दुकानें हैं, शराब के ठेके हैं, तो ये आधे मूल्यों में आधे से भी कम रेटों में उनको खरीद लेते हैं और फिर अपनी सरकारी दुकान के माध्यम से सरकारी माल को बेचते हैं। तो हम लोगों ने पूरे इस गिरोह को पकड़ा है और इसके लिए हमारी पूरी टीम बधाई की पात्र है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन लोगों को नगद इनाम देने की भी घोषणा की इस पूरी टीम को। और इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि 10 पेटी शराब की भी हम लोगों ने बरामद की है, पिस्टल भी मिली है, तमंचा भी मिला है और नगद पैसा भी इन लोगों से हमने प्राप्त किया है। तो कितने लोग थे इसमें? कुल मिला के इसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक गैंगस्टर है और एक टॉप 10 का मुलजिम भी है। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है जो हमारा वांछित है, जिसको हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। क्या क्या बरामद हुआ है इनसे? इन लोगों से हमने अभी फिलहाल एक हम लोग को बोलेरो गाड़ी मिली हुई है, बोलेरो कार है, जिससे कि ये लोग शराब का माल किसी भी दुकान से भर के और सप्लाई करते थे। एक मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने बरामद की है, इसके अलावा कुछ रुपये भी मिले हैं, एक पिस्टल है, तमंचा है और 10 पेटी हम लोगों ने शराब की बरामद की। बोलेरो चोरी की थी सर की भी है? जो इसमें टॉप 10 का अपराधी है ये 1995-96-97 से रेलवे में चोरी करते थे और फिर धीमे धीमे वाहन चोरी, उसके बाद शराब की दुकानों में चोरी, तो ये पेशेवर अपराधी है। बोलेरो भी चोरी का ही था कि नहीं? बोलेरो ये चोरी का है, ये बनारस में राजा का तालाब से इन्होंने चोरी किया था। इससे पहले इन्होंने टवेरा भी 2 चोरी किए थे, अभी ये लोग 3 महीने पहले निकले हैं और टवेरा भी चोरी किए थे, लेकिन चूंकि पुलिस पीछे पड़ी तो टवेरा छोड़ के ये भाग गए थे, जिसका कि बरामदगी कर ली गई थी टवेरा की। फिलहाल ये जो बोलेरो खड़ी है ये चोरी की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।